फतेहाबाद के स्वामीनगर इलाके से दो दिन पहले लापता हुई बुजुर्ग का मिनी बाईपास के किनारे झाड़ियों में मिला शव। पेंशन लेने के लिए घर से बैंक गया था बुजुर्ग, 3,000 रुपए पेंशन लेकर लौट रहा था वापस। उस समय दिया गया वारदात को अंजाम, श्वेत विक्षत हालत में मिली बुजुर्ग की डेड बॉडी। पूरा रोष है, उन्होंने कार्रवाई नहीं करी हमारे साथ, तुरंत कार्रवाई कर लेते, हमारे बाप की ये हालात नहीं होते, जो हालात हमारे साथ देखे नहीं जा रही हमारे, इसलिए पुलिस में गुस्सा है, उन्होंने कार्रवाई बिल्कुल नहीं की। हमारे कहता है तुम ढूंढ के ले आओ और हमारे को बता दे। उम्र कितनी थी जी इनकी? उम्र की 90 साल के करीब थी। रात को डायरी आपको लगता है रास्ता भटक गए होंगे और उसके बाद? बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल नहीं, ये तो पूरा कॉलोनी बता सकते, सही से फिट थे, रास्ता भटकने वाला कोई काम ही नहीं। पैसों के लिए वारदात को अंजाम दिया? दिमाग से बिल्कुल सही थे। तो पैसों के लिए किया गया जी, हमारे पूरा शक है। ये देखो जी रास्ता भटक गया, पैसे गलियों में थोड़ी आप देख रहे हो। 3,000 रुपए पेंशन राशि थी जिनके पास, 1,000 को जेब में पहले होंगे, हमारे बताते नहीं थे, बुजुर्ग आदमी अपना अपना आप हिसाब का अपना पर्स। बुजुर्ग की डेड बॉडी से एक टांग बताई जा रही है गायब, चेहरे को भी कुचलने का किया गया प्रयास ताकि ना हो सके डेड बॉडी की पहचान। परिजनों के द्वारा पुलिस पर लगाए गए लापरवाही के आरोप, कहा मौके पर कार्रवाई करती पुलिस तो बुजुर्ग की बच जाती जान। फतेहाबाद के डीएसपी जयपाल सिंह का कहना, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद होगी हत्या की पुष्टि, फिलहाल हर एंगल से कर रहे हैं जांच। हाँ, इसमें रामदेता जी हैं जो स्वामीनगर के रहने वाले हैं, परसों इसमें पुलिस को सूचना मिली थी जिस पर तुरंत इसमें 346 IPC 127 BNS के तहत हमने मुकदमा इसमें दर्ज किया है, और उसके पश्चात जो आज ये पता चला है कि भाई ये झाड़ियों के अंदर इसका ये डेड बॉडी है पड़ी मिली है, जिस पर SHO और तमाम टीम हम यहाँ आए हैं, CIA की टीम भी आ गई है, और इसमें हम पोस्टमार्टम करवा रहे हैं डेड बॉडी का, जैसी भी इसमें सूरत आएगी उसी हिसाब से इसमें कार्रवाई की जाएगी।